नमस्कार, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम नीरज है। जब भी मनमोहन सिंह से उनकी सफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं जो कुछ भी हूं अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से हूं। आज के पाकिस्तान में पढ़ने वाले गांव में पैदा हुए थे मनमोहन सिंह। गांव में ना तो बिजली थी, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल। मीलू चलकर स्कूल जाते, केरोसिन लैंप में पढ़ पढ़कर अपनी आंखें खराब कर ली थी इन्होंने, पर पढ़ना नहीं छोड़ा और पढ़ते पढ़ते ऑक्सफोर्ड से पीएचडी कर ली, फिर प्रोफेसर, रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्रीय मंत्री होते हुए प्रधानमंत्री भी बने। 26 सितंबर के रोज मनमोहन सिंह का जन्मदिन होता है। पार्टीशन के बाद इनका परिवार इंडिया आ गया था। बड़ी दिक्कत थी, पर पढ़ाई में बहुत तेज होने के कारण इनको स्कॉलरशिप मिल गई। हमेशा फर्स्ट आए थे। इंग्लैंड में इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ पुरस्कार मिला था, पर बहुत शर्मीले थे। बीबीसी के पत्रकार मार्क टली को एक बार मनमोहन सिंह ने बताया था कि कैम्ब्रिज में पढ़ने के दौरान ठंड में, यानी ठंड के मौसम में भी ये ठंडे पानी से ही नहाते थे, क्योंकि गर्म पानी के पास भीड़ लगी रहती थी और वहां के लोगों को ये अपने लंबे बाल नहीं दिखाना चाहते थे। बाद में इंडिया आ गए और अमृतसर के एक कॉलेज में पढ़ाने लगे। वहां पर उनके पड़ोसी लेखक थे मुल्कराज आनंद। एक दिन आनंद इनको जवाहरलाल नेहरू से मिलाने ले गए। नेहरू ने सरकार ज्वाइन करने के लिए कहा, पर कॉलेज में पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट था, इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2005 में इंडिया आसियान मीटिंग में मलेशिया गए थे। वहां इनका परिचय दुनिया के सबसे ज्यादा शिक्षित प्रधानमंत्री के रूप में कराया गया। आजाद भारत की प्रगति को मनमोहन सिंह के रूप में देखा जा सकता है। विभाजन के बाद घर बार छोड़कर आए परिवार का लड़का, जिसका कोई जुगाड़ नहीं था, जो शर्मीला था और जिसके पास पैसा भी नहीं था, भारत के लिए हर तरह की पोजीशन संभालता हुआ देश का प्रधानमंत्री बना। जन्मदिन पर दो बार देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के 5 सबसे बड़े कामों के बारे में जानते हैं। पहला, 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी आर्थिक सुधार। 90 के दशक की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। दुनिया में भी खाड़ी युद्ध के चलते पेट्रोलियम क्राइसिस हो गया था। भारत के पास पैसा नहीं बचा था, काम चलाने लायक भी नहीं। उस वक्त नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया इकोनॉमी में सुधार के लिए। मनमोहन सिंह के पास जब मंत्री बनने की खबर आई तो उन्हें मजाक लगा। अगली सुबह डांट पड़ी तो समझ आया कि मामला थोड़ा सीरियस है। IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इस सुधार पर नजर गड़ाए हुए था, पर देश में ऐसा माहौल बना कि लोग कहने लगे थे कि ये नेता अब देश को बेच देंगे। ऐसे में नए नियम लाने में भी डर भी था। राव का साफ कहना था कि अगर ये सुधार सफल हो गए तो सरकार को क्रेडिट मिलेगा, अगर नहीं हुए तो सिर्फ मनमोहन सिंह की जिम्मेदारी होगी। पर सुधार सफल हुए, देश सही रास्ते पर चल पड़ा। दूसरी बड़ी कामयाबी, RTI एक्ट, साल 2005। भारत में दो एक्ट ऐसे बने हैं जो जनता को सबसे ज्यादा अधिकार देते हैं, कंज्यूमर एक्ट और RTI। मनमोहन सिंह के सत्ता में आते ही ये एक्ट पास हो गया। इसके लिए देश के लोग लंबे समय से लड़ रहे थे। इस एक्ट के चलते जनता अफसरों से जवाब तलब कर सकती है। इससे पहले अफसर हर रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल कहकर किसी को बताते ही नहीं थे। इसके चक्कर में भ्रष्टाचार बहुत होता था, पर इसी एक्ट के चलते ही मनमोहन सरकार पर भी घोटालों के आरोप लग गए। तीसरा, मनरेगा, साल 2006। ये एक ऐसा एक्ट आया जिसने सरकार और जनता के रिश्ते को बदल दिया। यह तय करना कि सरकार लोगों को अपने गांव के पास रोजगार दिलाएगी, अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। रोजगार की गारंटी थी सरकार की तरफ से। सरकार रोजगार ना दे पाए तो एक तय रकम आपके खाते में आनी ही आनी थी। यह प्रोग्राम पूरे परिवार को टारगेट करता था। रोजगार ना दिला पाने पर अफसरों पर कार्रवाई का प्रावधान था।
सरकारी जिम्मेदारियों की ये नई पहल थी। हालांकि बाद में इसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पर वो अलग बातें हैं जो कि एक्ट से अलग की हैं। एक्ट के इरादों पर डाउट नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस स्कीम, इस प्रोग्राम की आलोचना करते हुए कहा था कि मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी असफलताओं के रूप में इसे याद किया जाएगा, लेकिन उन्होंने भी इस एक्ट को खत्म नहीं किया। चौथी बड़ी कामयाबी, सिविल न्यूक्लियर डील साल 2008। भारत की प्रगति के साथ ही ऊर्जा जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए बिजली पैदा करना भी जरूरी था। इसके लिए न्यूक्लियर प्लांट लगाना सबसे आसान तरीका है, पर इसके साथ ही जिम्मेदारी और खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही देश में माहौल यह भी बन रहा था कि ये सरकार, यानी उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार, अमेरिका के हाथ फिर कुछ बेचना चाहती है। मनमोहन सरकार की सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान कर दिया कि ये डील होगी तो हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। समर्थन वापस ले भी लिया, पर बिना किसी डर के मनमोहन सिंह ने इस ऐतिहासिक डील को पूरा किया और सरकार भी बचा ली। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। पांचवी बड़ी कामयाबी, पांचवी बड़ी उपलब्धि जिसके लिए देश मनमोहन सिंह को हमेशा थैंक यू बोलेगा, वो है फूड सिक्योरिटी बिल 2013। स्वतंत्रता से ठीक पहले बंगाल में अकाल पड़ा था, करीब 30 लाख लोग मारे गए थे। फिर चीन से लड़ाई के तुरंत बाद भी अकाल पड़ा, उसी दौरान पाकिस्तान से भी लड़ाई हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद स्थिति थोड़ा बदली, पर वक्त गुजरने के बाद भी देश के बहुत सारे लोग भरपेट खाना नहीं खा पा रहे थे। ऐसे में मनमोहन सिंह सरकार का लोगों का खाना सुरक्षित करवाना दुनिया की किसी भी सरकार के लिए मॉडल बन गया। ये जरूर है कि एक तरफ इसकी आलोचना हुई कि सरकार लोगों पर पैसा बर्बाद कर रही है, लोगों तक अनाज पहुंच भी नहीं रहा, पर एक हद तक लोगों की जरूरतें जरूर पूरी हुई। किसी भी आलोचना से परे ये सरकार की जिम्मेदारियों का एक नमूना था और उस नमूने में हेतु बने मनमोहन सिंह। आज उनके जन्मदिन के दिन सिर्फ उनकी आलोचनाओं को ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री रहते हुए और दूसरे संवैधानिक पदों पर रहते हुए उनके किए गए योगदानों को भी याद करने का दिन है। खासकर ऐसे योगदान जो इतिहास में दर्ज हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उनकी वजह से आम जनता की जिंदगी पर फर्क पड़ा। मेरा नाम नीरज है, ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ में मेरे साथी राशिद थे। एक ज़रूरी अपील कि फेसबुक पेज हमारा लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ हमको फॉलो कर लें, ट्विटर पर भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं। सबसे ज़रूरी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, प्ले स्टोर से प्लीज़ उसे डाउनलोड ज़रूर करें। शुक्रिया।